हेलो जी, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं पठान एंकर पर फिदा हो गया। पठान एंकर पर फिदा हो गया, प्रपोज कर दिया। ओके, फटाफट की वीडियो है ये, फटाफट चैनल से करातुल एन जिया जो हैं वो शायद एंकर हैं। चलो इस वीडियो को देखते हैं किस टाइप का है ये। मुझे लग रहा है पठान लड़का है और एक लड़की है जो उसका इंटरव्यू ले रही है, तो देखते हैं किस टाइप का इंटरव्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। व्यूअर्स, यहां पर हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत से नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है तुम्हारा? कैसे है? कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए इधर क्या करने आए हैं? ये फनी लग रहा है थोड़ा बंदा। क्या गुमशुम? गुमशुम क्या मतलब? बाजी वाजी घूमने वाले आए हूं। घूमने आए हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं और कोई जगह नहीं मिली घूमने के? यार गुलशन इकबाल पार्क मिला है अभी। बड़ा सही लगता है, उर्दू बोलते हैं पठान। अभी टाइम है जाने के? जी जी। किसके साथ आए? अपने साथ आया। कह रहा है अपने साथ आया। अपने साथ आए? अच्छा ठीक है, मैं भी अपने साथ ही आया। ये बिल्कुल, ये तो दुरुस्त बात है। मुझे बताएं कि यार बंदा सही है, कोई टैलेंट है? खड़ा कैसे है? टैलेंट क्या? कोई गाना आता है? गाना क्या है? ये बना रहे हैं बात को कि पता ही कुछ नहीं? नहीं पता नहीं है। के क्या करते हो अपने फारिग वक्त? फारिग वक्त में लोगों को कमेंट बोल देता हूँ। मेरे कैमरामैन के लिए क्या कमेंट है यार? क्या बोले? नहीं बोल दो, जो दिल में है वो बोल। क्या बोलू? जो कमेंट है। कमेंट? हाँ। ये तस्वीर फेसबुक में दे, फिर कमेंट दूंगा। ठीक है, आपको पता है ये हमारा इंटरव्यू भी फेसबुक पे ही जाना है। फिर हम देखेंगे। फिर सारे देखेंगे। सही है, कमेंट करेंगे फिर। अच्छा, मुझे बताओ लाहौर अच्छा है? मुझे ये बताओ लाहौर अच्छा है? लाहौर बुरा है, क्वेटा अच्छा है। क्यों? उधर पहाड़ बहुत है, इधर पहाड़ नहीं है। इधर बाकी चीजें भी तो बहुत। पता नहीं है। शादीशुदा है? नहीं, गैर शादीशुदा। एक बंदा पीछे से हंस रहा है। शादीशुदा है, ठीक हो गया। शादी कब होनी है आप? 2-3 साल के बाद। वजह क्या है? पैसा पैदा करें। अभी पैसा पैदा नहीं हुआ? पैसा नहीं पैदा, पैसा पैदा। लेकिन शक्ल से तो आप अमीर लग रहे हो। अमीर? हम गरीब का बच्चा है। ये नीचे करे हाथ। अभी क्यों बार बार ऐसे यूज? गोश्त खाया अभी। गोश्त खाया? गोश्त खा लिया, हजम हो गया? जी हजम हो गया। कौन सा गोश्त खाया? कौन सा? मुर्गी का। मुर्गी का, ओके। इतना सोच के क्यों बोला? वो नाम नहीं आता। ये भी किसी ने पीछे से बोला। ठीक हो गया। मुझे मैनू है दसो, मुझे ये बताओ कि आपका मोबाइल अगर गिर जाता है अचानक, ठीक है, तो मुंह से कौन से अल्फाज निकलते हैं? ये क्या सवाल यार, ये क्या अचानक से? अचानक से? हाँ। समझो आपका मोबाइल गिरी है, क्या कहोगे? विला सुनो। ये इसका मतलब क्या है? पश्तो में बोला ये। बस गिर गया? हाँ बस गिर गया। इलासु? इलासु? इलासु गाली तो नहीं ना दे रहे? ये गाली नहीं है। अच्छा। इलासु बोलता है गिर गया। गिर गया जी। और अगर टूट गया तो फिर क्या कहोगे? मात्सु। इलासु मार्सु, ठीक है। अच्छा मुझे लास्ट सवाल का जवाब दे दो, लड़कियों को आज पड़ा बंदा। अच्छा ठीक है, ये कैसी आवाज निकाली आपने? अच्छा लड़कियों का बात किया ना। अच्छा मुझे लास्ट सवाल का जवाब बता दो, लड़कियों को दाढ़ी वाले लड़के अच्छे लगते हैं या दाढ़ी के बगैर? यार दाढ़ी वाला भी अच्छा लगता है और बगैर दाढ़ी वाला भी, हर किसी का अपना। आपको कैसी लड़की अच्छी लगती है? क्या पसंद है, दाढ़ी वाला या बगैर दाढ़ी वाला? उल्टा सवाल उससे पूछ लिया भाई एंकर से। मुझे अभी कोई पसंद नहीं है। आप बताओ आपको कैसी लड़की पसंद? हमको खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की तो सबको पसंद होती है। नहीं आप मिली हुए ना। इनसे जानने की कोशिश करती हूँ, जिलानी पार्क में अकेले क्या करते यार? पूरा दिखाओ, इसके बाद क्या हुआ? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप मिली हो ना, वैसे थोड़ी सी खुशी आपके प्रोग्राम में भी आने की, और वैसे भी फैमिली के साथ आए हूँ काफी टाइम बाद, तो खुशी हो रही है। इतनी खुशी? मुझे बताते मैं पहले ही आपके साथ प्रोग्राम कर लेती।
नहीं, किस्मत में नहीं था, सब किस्मत में था, इसी वजह से आपके साथ प्रोग्राम। मेरी अच्छी किस्मत है कि आप जैसे लोगों के साथ मेरा प्रोग्राम हो रहा है। मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा। तलहा उधर देखे ना मेरी तरफ क्या लिखा हुआ। मोहम्मद तलहा क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, क्लिनिक हेड ऑफिस में हूँ, उनके एचआर में हूँ। ठीक हो गया। तलहा मुझे बताएं क्या करने आए हैं आप? फैमिली के साथ आया था, आज कजन वगैरह भी आए हुए हैं तो वो बोल रहे थे कि कहीं लेकर जाओ बाहर, तो बस उनके साथ टाइम स्पेंड। फिर आज आपकी सुनी गई? बस ऐसे ही है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया यहाँ पे। और इत्तेफाक मुझे ये बताएं कि इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज हैं? एक्टिविटीज क्रिकेट है और बस जॉब और क्रिकेट और मूवीज वगैरह थोड़ी बहुत, इसके अलावा और कुछ। कोई टैलेंट है आपके? क्रिकेट और कभी वैसे ही बसूरा गा लेता हूँ जब हमें भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। बेसुरा तो हम आपसे सुनेंगे। मुझे ये बताएं कौन सा सिंगर पाकिस्तानी फेमस लगता है आपको, यानी कि आपका फेवरेट? सजाद अली। सजाद अली, ठीक है, उसका ही सॉन्ग हम सुनेंगे। अच्छे, ठीक है, चले। गाने भी बढ़िया उनके। जे एथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं सामा विच सानी चोड़ ला। जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेड़िया कोई ना, मैं किसनु सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोल के मैं अपनी मेहार मोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे। हो कैसा लगा? क्या सुर लगाए आप? बस ये एंड वाले सुर दोबारा दोहराइएगा। बस सुर ही तो नहीं लगे, बस एंड वाले, ये हो वाले, बाकी सब लग गया मेरे कहने पे दोबारा। जेथों कदी रावी लंघ जावे हो। सज्जाद साहब भी कांपने लग जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आप, नो डाउट। ठीक है, ये तो मैं वैसे ही जस्ट फॉर फन कर रही थी, आपने बहुत अच्छा गाया। इसको आप प्रोफेशन के तौर पर क्यों नहीं चुनते? इतनी अच्छी आवाज नहीं है, बहुत बहुत लोग हैं तो मेरी ज्यादा ही मैं छोड़ रही हूं, तो वही ना, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि मेरी आवाज़ से मेरे बाजू घर वाले भी कहते हैं कि ना रो मेहरबानी। तो बस अच्छा, लड़कियों के मेकअप को गौर से देखते हैं या लड़कियों को गौर से देखते हैं? दोनों को ही गौर से नहीं देखता। अच्छा, फायदा नहीं है मेकअप की, हाव नाव तो होगी, तो मामा भी यूज़ करते होंगे, बहनें बड़ी सी, और बाबा की फील्ड भी कॉस्मेटिक्स ही है, तो थोड़ा सा हाव नाव है, जान पहचान है। 5 मेकअप के प्रोडक्ट्स के नाम बता दें जो लड़कियाँ फेस के ऊपर यूज़ करें। लिपस्टिक, लिपस्टिक, आईलैशेस, बेस, ठीक है, फाउंडेशन। बता दिया भाई, ठीक है जी। मुझे ये बता दें अगर आपका मोबाइल गिर जाता है अचानक से, क्या मुंह से अल्फाज? ओ तेरी खैर हो गई। बस ऐसे बहुत, ओ तेरी खैर हो गई, ये कहना है नौजवान का। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक लेडी है बहुत ही प्यारी सी, मूवी कॉन्टिन्यूसली बनाई जा रही है और बात भी नहीं है। पकड़ो इंटरव्यू जरूर। क्या हाल है जी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मुझे बताएं उनकी क्या है? तो कैसे मैं इनकी पुप्पो। अच्छा, पुप्पो इतनी प्यारी है? अच्छा, उन्हीं की है। अच्छा, मुझे बताएं पुप्पो क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हाउसवाइफ। और नाम क्या आपका? आसफा। आसफा, आप कॉन्टीन्यूसली मोबाइल यूज कर रही थी, उनकी वीडियो बना रही थी, इतना प्यारा लगता है आपको अपना बेटा? बहुत पसंद है, बहुत प्यार है इसके साथ मुझे। लविंग है, केयरिंग है और रिस्पेक्ट करता है सबकी। और बुरी आदत? बुरी आदत ये कि बेसुरा गाता है। ठीक है, आपको कोई आता है गाना? नहीं, ठीक हो गया। आपका मोबाइल गिर जाता है अचानक, अल्लाह ना करे गिरे, ठीक है, आप तो मूवीज बहुत अच्छी बना रही, क्या करती हैं फिर, क्या कहना चाहेंगी? बस यही करूँगी और तो कुछ नहीं। सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही क्यूट से नौजवान हैं, अपनी मूछों को ताऊ दे रहे हैं, एक ऊपर चढ़ाई हुई है और एक नीचे है, ठीक है, कैमरामैन फोकस करिएगा प्लीज। तो इनसे पूछें ये कैसा स्टाइल है? अस्सलाम वालेकुम। एक नीचे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हसन शहजाद। अच्छा, और यहाँ पर क्या करने आए आप? यहाँ पे थोड़ा सा जहन फ्रेश करने के लिए आए हैं, सैर व तफरी के लिए। लड़के अपना जहन कैसे फ्रेश करते हैं?
लड़कियों को देख घूम फिर के अकेले घूम फिर के जी अकेले घूम फिर के और दोस्त भी हैं साथ, वो पीछे गए हुए हैं। अच्छा, और आपको छोड़ के चले गए? मैं खुद अकेला हूँ उनसे जरा। सर्दी कितनी ज्यादा है? रात को तो नहीं इतनी लगती, दिन टाइम लगती है क्योंकि दिन में काम करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर्दियाँ अच्छी लगती हैं गर्मियाँ अच्छी लगती हैं? ऐसे देखा जाए ना, मेहनत के लिए गर्मियाँ अच्छी हैं, वैसे आराम के लिए तो सर्दियाँ ही अच्छी हैं। अरे नहीं यार, मेहनत के लिए सर्दियाँ अच्छी हैं। ये बता दें कोई टैलेंट है आपके? जी मैं कारों का मैकेनिक हूँ। अच्छा, इसके अलावा कोई टैलेंट? कोई सॉन्ग आता है? शेर व शायरी? शेर व शायरी हाँ, ये थोड़ी बहुत किसी को कभी सुनाई आप? ये शायरी को ढूंढ रहा है ये किसी मैं मर जाऊं और तुझे खबर ना मिले, मैं मर जाऊं अच्छा। और तुझे खबर ना मिले, तू ढूंढती रहे तुझे मेरी खबर ना मिले तू ढूंढती रहे और तुझे मेरी खबर ना मिले, ये शेर उनको सुनाया है जो आपको छोड़ के जा चुकी है। और मेरी बात सुनो, आपके अंदर कौन सी अच्छी आदत है जो लड़कियां देख रही हैं और आपकी दुख भरी कहानी को उन्होंने सुना है तो वो आपको अप्रोच कर रुके हैं? वो तुम्हारे पास ऐसी कोई वजह अच्छी उसको सोचना पड़ रहा है, कोई अच्छी आदत नहीं है। जुम्मा मैं हफ्ते में एक बार लाजमी पढ़ता हूँ ये क्या था? ये मेरी अच्छी आदत जुम्मा होता ही एक बार छोड़ता और बुरी आदत बता दे। बुरी आदत बाकी आवाज़ें नहीं पढ़ता जी, नहीं करनी चाहिए ना, अच्छी आदत नहीं है। वन व्हीलिंग ठीक है, अपनी जान का अच्छा, और अपने घर वालों के लिए कुछ सोचे ठीक है। थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। गाइस तो ये था पठान का इंटरव्यू के साथ साथ दो तीन और लोगों का मज़ेदार इंटरव्यू थे एंड मज़ेदार चटपटी बातें थी, बोरिंग नहीं था बिल्कुल भी, मज़ा आ रहा था इनकी बातें सुनने में। सवाल कुछ अजीब से लग रहे थे, मतलब अटपटे से, यार ये क्या पूछ रही, मोबाइल गिर गया तो कैसा रहेगा, ओ आउच ई ऊ करके रिएक्शन रहते हैं लोगों के, लेकिन हाँ ये सवाल मुझे अजीब लगा। उसके अलावा पठान की बातें बड़ी मज़ेदार थी, सबसे ज़्यादा बढ़िया बातें उसी की लगी जो पहले पठान लड़का था, वो तीली अपने उसमें कोट में हाथ डालकर अपनी तीली से दांतों को कुरेदता हुआ मज़े ले रहा था, मतलब खड़ा हुआ था और मौज मस्ती कर रहा था और जवाब ऐसे दे रहा था कि कुछ पता भी नहीं है फिर भी जवाब दे रहा था, हाजिर जवाब, मतलब फ़ौरन के फ़ौरन क्विकली जवाब दे रहा था, पता हो ना हो कुछ लेकिन जवाब दे रहा था। एंड लास्ट में यार उसको वीडियो अधूरा रह गया, मैं चाह रहा था यार जब वो उसने बोला कि आप हैं तो खूबसूरत लड़की, मतलब कोई और नहीं चाहिए, खूबसूरत लड़कियाँ पसंद हैं और कोई मिली नहीं मिली तो आप मिल गई, आप हैं मेरे सामने, ऐसे मतलब हल्का फुल्का एक प्रपोज़ल टाइप का उसने दे दिया, तो मज़ा आ रहा था उसको सुनने में, उसकी बातें जानने में। दूसरे जो सिंगर साहब थे उनकी भी बातें मज़ेदार थी, चटपटी थी। तीसरे बंदे की तो भाई वो स्टंटमैन था, उसको मतलब इसमें सबसे बढ़िया और चटपटे जवाब जो थे, चटपटा इंटरव्यू जो था वो पठान का लगा। दूसरा इंटरव्यू भी अच्छा था, बाकी तीसरे बंदे ने तो भाई मौज ही कर रहा था वो अपनी दुनिया में। कमेंट सेक्शन में बताओ किसका इंटरव्यू आपको ज़्यादा बढ़िया लगा, कौन सी चीज़ें आपको इसके अंदर अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।